आदाब निजामत फासिलती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से बी ए साल इस्लामियात के इस तली प्रोग्राम में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मक़दम है आज के लेक्चर का अनवान हैज़रत महम्मद सल्ला वम की ज़िंदगी इस लेक्चर में हम आपको हज़रत महम्मद सल्ला वम की ज़िंदगी उनके पैगाम और उनके अखलाक किरदार से वाकफ़ कराएँगे पहले हिस्से में हम जिंदगी के वाकयात पर रोशनी डालेंगे जिसमें उनकी विलादत बचपन से लेकर जवानी नबूवत के बाद के हालात तो व वाक़ात और वफात तक का ज़िक्र किया जाएगा फिर दूसरे हिस्से में हज़रत महम्मद सल्ला वसम के मिशन और पैगाम के बारे में बताएंगे कि वो क्या तालीमात लेकर आए थे दुनिया को उन्होंने क्या पैगाम दिया और किस कस्म के समाज की उन्होंने तामीर फरमाई आखिरी हिस्से में हम आपको रसूल इस्लाम हज़रत अलैहि वसल्लम की नजीज ज़िंदगी की तफसीत से आगाह कराएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि पैगम्बर इस्लाम की पर्सनल लाइफ कैसी थी उनके अखलाक अवसाफ़ क्या थे बीवी बच्चों ख़ानदान वालों दोस्त अहबाब और आम इंसानों बल्कि दुनिया की दूसरी मखलूक के साथ भी उनका बर्ताव कैसा रहता था और इस सिलसिले में उन्होंने क्या नमूना छोड़ा है अजीज तलबा और तालबात पैगम्बर इस्लाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में जितने रहबर रहनुमा और हादी आए उनमें सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी मुकम्मल ज़िंदगी और उस जिंदगी का हर हर गोशा पूरी तरह रोशनी में है और तारीख के मुस्तनद तरीन सफहत पर उनकी ज़ाती और आवामी ज़िंदगी के सारे वाक़ात महफूज हैं बात यह थी कि रसूल सल्हु वसम के साथियों ने जिन्हें सहाबा कहा जाता है आपकी एक एक बात और हर हर अमल को महफूज किया बल्कि उन्होंने उन वाक़ को भी महफूज कर लिया जो आपली वम की ज़िंदगी में और आपके सामने पेश आए थे और साथ ही रसूल सल्ला वसलम ने इस बात की भी इजाज़त दे रखी थी कि उनकी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकले खा वो ख़ुशी में निकल रहा हो या गुस्से की हालत में निकल रहा हो उसको साहब कराम लिख सकते हैं इसी तरह आपकी बीवियों को भी इजाज़त थी कि घर की अंदरूनी ज़िंदगी की जो नजी तफसीलत हैं उनको भी वो दूसरों को बयान करें क्योंकि आप अल्लाह के रसूल हैं आपकी हर बात और हर अमल दूसरों के लिए नमूना है अब आइए हम आपको बताएं कि पैगंबर इस्लाम अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाकयात क्या थे सऊदी अरब के मुल्क के अंदर मक्का मुकर्रमा एक शहर है यहाँ अल्लाह का सबसे पहला घर है जिसको खाने काबा कहते हैं आज से चौदह सौ बरस पहले यहाँ कबाइली निज़ाम राज था और मुख्तलिफ कबीले खाने काबा के आसपास आबाद थे इन कबीलों में सबसे मुआज़ और मशहूर कबीला कुरैश था इस कबीले में सबसे बाज़त और नामी सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे और अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटों में सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था अब्दुल्ला के घर में 20 अप्रैल 571 ईसवी इकहत्तर ईस्वी दोशंबा यानी पीर के दिन हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम पैदा हुए ये रबीउल अव्वल के महीने की नौ तारीख थी वालिद अब्दुल्लाह की आपकी विलादत से दो माह पहले ही वफात हो चुकी थी आपकी वालदा का नाम आमिना था आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा जिसका माना होता है वो आदमी जिसकी खूब तारीफ़ की जाए अबू तालिब अब्बास हमज़ा और ज़ुबैर आपके चंद मशहूर चचा थे आपकी वालदा ने शुरू में दूध पिलाया फिर अरब में जो दस्तूर राज था कि बच्चों को देहात की फसी ज़बान के माहौल में का पाने के लिए भेजते थे इसी रिवाज़ के मुताबिक कलीब कबीले बनु सात की हज़रत हलीमा सादिया आपको लेकर गईं और दो साल की उम्र तक आपको दूध पिलाया इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से खूब बरकतें हुईं जिनको देख कर हैत हलीमा रज़ी अल्लाह तह की ख़्वाहिश पर आप सल्ला व्म ने मज़ीद दो साल वहाँ गुजारे उसके बाद मक्म मुकरमा वापस आ गए अरब का एक दूसरा शहर जो मदीना अब कहलाता है और उस जमाने में यसरब कहलाता था वो शहर आपकी वालदा हज़रत आमिना का मैके था और इसी शहर में आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की वफात हुई थी हजरत आप आपको लेकर अपनी बांदी उम ऐमन के साथ मदीना गईं और वापसी में एक जगह जिसका नाम अबुआ है उस जगह पर बीमार पड़ गईं और वफात पा गईं उस वक्त आप की उम्र सिर्फ छः साल थी हज़रत अब ऐमन आपको लेकर वापस मक्के आई और यहाँ दादा हज़रत अब्दुल तलिब ने आपकी परवरिश की जो आपसे बेहद महब्बत करते थे दो साल के बाद दादा का भी इंतकाल हो गया तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको अपनी परवरिश में लिया और वो और उनकी बीवी हज़रत फ़ातमा बिनते असद ने आपको वालदे की महब्बत अदा की अभी आपकी उम्र बारह साल की थी कि अबू तालिब ने तजारत के लिए शाम के मुल्क के सफ़र का इरादा किया आप वसल्लम ने भी किया और सफ़र में साथ हो गए लेकिन रास्ते में एक जगह जिसका नाम तयम है वहाँ पर इस काफ़ले ने पड़ाव किया वहाँ बहैरा नाम का एक राहिब था उसने आप अलैहि वसल्लम के अंदर आखिरी नबी होने अलामतें देखी तो उसने आकर तालिब से कहा कि अगर शाम के यहूद इनको पहचान लेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। चुनानचे तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से मक्के वापस भेज दिया 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा का माल लेकर शाम के मुल्क का तजारती सफ़र किया इस सफ़र में हजरत खदीजा का गुलाम मैसरा जिसका नाम था वो भी आपके साथ था इस तजारत में बहुत नफा हुआ हज़रत खदीजा को अपने ग़ुलाम मैसरा के ज़रिए आपकी अमानत और दयानत का हाल मालूम हुआ तो वो बेहद मुतासिर हुईं। उन दिनों वो बेवा थीं और उम्र चालीस बरस के करीब थी उन्होंने आपको निकाह का पैगाम भेजा उस वक्त आप की उम्र सिर्फ़ पच्चीस बरस थी लेकिन आपने रिश्ता कबूल फ़रमाया रसूल सल्ल्ल वम की तरफ से हज़रत अबू तालिब ने औरत खदीजा की तरफ से वरक़ा बिन नोफिल ने निका का खुतबा दिया उस जमाने में लड़का और लड़की दोनों की तरफ से खुतब निका देने का रिवाज था महर में चंद ऊँट मुकर हुए और इस तरह रसूल सल्ला वम की पहली शादी अंजाम पाई आपकी जवानी बड़ी पाकिज़ा थी कोई ऐसा काम आप नहीं करते थे जो गुनाह का हो या शर्म और हया के तकाजों के खिलाफ हो कमज़ोरों की मदद गरीबों का तावन और मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए आप मशहूर थे सच्चाई और अमानत दारी का ये हाल था कि मक्के के लोग आपको असादिक यानी सच्चा और अलाम यानी अमानतदार कहकर पुकारते थे इसी जमाने की बात है कि एक मरतबा खान काबा की तामीर हो रही थी हजर असवद को उसकी जगह पर रखने के मामले में कबाइल के दरमियान कश्मकश शुरू हो गई और तय ये पाया कि कल सुबह सवेरे सबसे पहले जो खाने काबा आएगा वो इस झगड़े का फैसला करेगा देखिए खुदा की कुदरत कि कल सबसे पहले आने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे आपने ये तदबीर की कि एक चादर मंगाई और हजर असवद को उस चादर में रख दिया और हर कबीले के नुमाइंदे से कहा कि आओ और मिलकर इस चादर को उठा लो इस तरह आपके हुसन तदबीर से एक बड़ी लड़ाई डल गई जब आप वसल्लम की उम्र चालीस बरस के करीब हुई तो आप तन्हाई पसंद हो गए मक्के से बाहर एक पहाड़ी के गार में जाकर कई दिनों तक ग़ौर फिक्र में मशगूल रहते इसी गार में एक मरतबा अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत सलाम आए और कुरान करीम की पहली आयत आपको सुनाई ये नबूवत का आगाज़ था नबूवत मिलने के बाद आपने लोगों को दीन की तरफ बुलाना शुरू किया पहले तीन साल तक खामोशी से लोगों को दावत देते रहे फिर अल्लाह का हुक्म आया कि दीन हक़ का पैगाम खुल्म खुला लोगों को पहुँचाएँ तब आपने अपने ख़ानदान वालों और आम लोगों को खुलेआम दीन की बातें बतानी शुरू की आपने कहा कि अल्लाह सिर्फ़ एक है उसके सिवा कोई मबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ आपकी दावत को जिन लोगों ने सबसे पहले कबूल किया उनमें औरतों में आपकी बीवी हैत है खदीजा हैं मर्दों में आपके सबसे करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में आपके चचाज़ाद भाई हज़रत अली और ग़ुलामों में आप ही के ख़ाद हजरत ज़ैद मिन हारसा हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम कबूल करते गए मुसलमान होने वालों पर अहन मक्का ने म सितम शुरू किया दिल खोल कर उन्हें सताया खूब मारा पीटा कई कमज़ोर मुसलमानों को शहीद भी कर दिया लेकिन इन सब के बावजूद हक़ की दावत फैलती गई कुरान की आयत अल्लाह की तरफ़ से नाजिल होती हज़रत मोहम्मद सल्ला वम वो आयत पढ़कर सुनाते और सुनने वाले हक़ और सच्चाई जानते ही इस्लाम कबूल कर लेते नबूवत के छठे साल हजरत हमज़ा और हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया ये दोनों मक्के के बहादुरों में शुमार होते थे हज के मौके पर या मक्के के बाज़ार में लगने वाले मेलों के अंदर भी जाकर आप दीन का पैगाम लोगों को सुनाते इस तरह दीन इस्लाम की बात मक्के से निकलकर कर दूर दराज इलाक़ों तक पहुंच गई और हक पसंद लोग इस्लाम कबूल करते गए नबूवत के दसवें बरस आपकी गमगुसार और इंतहाई हमदर्द रफ़ीक हयात हजरत खदीजा रज़ील्हा का इंतकाल हो गया और उसी बरस आपके प्यारे चचा और पुश्त पना हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ ये दोनों आपके लिए बहुत बड़ा सहारा और आपकी दिलदारी करने वाले थे इन दोनों की जुदाई से आपको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और आपने उस साल को आमुल हुज्म यानी गमों का साल करार दिया इधर अहले मक्का की मुखालफत और बेरुखी बढ़ती गई तो आपने उसी बरस ताइफ के सफर का इरादा किया कि शायद वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लें लेकिन ताइफ वालों का सलूक मक्के वालों से भी बदतर साबित हुआ उन्होंने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया आप दुखे दिल के साथ वहाँ से मक्के वापस आए इस मौके पर अल्लाह ने आपकी दिलजोई के लिए मेराज के सफ़र से आपको नवाज़ा ये मेराज का सफ़र क्या है एक रात हजरत जब अलैहिस्सलाम आपके पास आए और रातों रात आपको मकदिस ले गए जो फ़लस्तिन के अंदर है और वहाँ आप ने दुनिया में अब तक आए हुए तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई उनकी इमामत की फिर वहाँ से वो आपको आसमान पर ले गए सातों आसमान की सैर कराई जन्नत और दोजख के मनाजिर दिखाए इसी सफ़र में पाँच वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं और ये मेराज का पूरा वाकया रात के सिर्फ चंद लम्हे में अंजाम पा गया नाज़रीन, मेराज के इस वाक़े के बाद इधर मक्के की हालत भी तब्दील हो रही थी मुश्रकी मक्का की दुश्मनी और जुर्म तशद जब हद से आगे बढ़ गया तो हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने कर राम को मुल्क हबश की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म दिया चुनाचे कई मरहलों में मुसलमान मर्द ख़वात वहाँ चले गए अहन मक् ने उनको वहाँ भी चैन से न रहने दिया और हबश के बादशाह को उनके ख़िलाफ़ वर्गलाने की कोशिश की सन दस नबे में हज के मौके पर आप सल्हुह वम ने मदीने से आए हुए लोगों को इस्लाम की दावत पेश की चंद मर्द ख़वान ने इस्लाम कबूल कर लिया आइंदे बरस और उसके अगले बरस हज के मौक़ों पर काफ़ी तादाद में अहले मदीना ने इस्लाम कबूल कर लिया और इसी मौके पर उनसे ये बात तय पाई कि अगर मुसलमान मदीना हिजरत कर जाएँ तो वो लोग उनको वहाँ पनाह देंगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से इजाज़त मिलने पर सहाबे किराम आहिस्ता आहिस्ता मदी हिजरत कर गए और आखिर में ख़ुद आप अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिली और आपने हज़रत अबू बकर ताला के साथ मदीने की तरफ हिजरत फरमाई हिजरत की इस रात में एक ख़तरनाक प्लान के तहत मक्के के मुख्तलिफ मख्तल कबीलों के नौजवानों ने तलवार लेकर आपके घर का मुहासरा कर लिया था कि आप जैसे ही निकलें आपका काम तमाम कर दिया जाए लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल थी आप एक मुश्ताक एक मुठ्ठी मिट्टी लेकर उनके ऊपर सरों पर फेंकते हुए घर से बाहर निकल गए और किसी को खबर भी ना हो सकी हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके एक गुलाम और एक रास्ता बताने वाले शख्स को लेकर यह काफिला यकुम रबीउल अव्वल सन तेरह नबवी को मदीने की तरफ रवाना हुआ और नौ रबीउल अव्वल मुताबिक इक्कीस सितम्बर छः सौ बाईस ईस्वी जुमा के दिन मदीना पहुँचा जहाँ लोगों ने बड़ी ही गर्म जोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया मदीने मनवर आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दो अहम काम अंजाम दिए एक तो ये कि मदीने में अमन अमान का माहौल बनाए रखने के लिए मुसलमान यहूदियों और दूसरे गैर मुसलमों के दरमियान एक तहरीरी माहदा कराया इस माहे का हासिल ये था कि सारे लोग मिलजुल कर बाहम अमन के साथ रहेंगे और हर मजहब वाले को अपने अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी और अगर कोई दुश्मन बाहर से हमला आवर होगा तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे ये इंतहाई अहम क़स्म का माहिदा था दूसरा काम आपने ये किया कि मक्के से आने वाले महाजरीन और मदीने में जो लोग मुसलमान हुए थे जिनका लकब अनसार पड़ा इन दोनों के दरमियान आपने मुख़ात यानी भाईचारा कायम फरमाया ये इस तरह कि एक अनसारी और एक महाजिर को भाई, भाई भाई बना दिया गया और उनके तमाम ताल्लुक भाई भाई की तरह रखे गए इस इंतज़ाम से ये हुआ के बेच सहारा महाजरीन को ठिकाना मिल गया और साथ ही उनके दरमियान आपस में मोहब्बत और अख़ुवत का माहौल पैदा हो गया लेकिन मदीने में मुसलमानों का चैन सुकून से रहना और अपने दीन की तबलीग करते रहना मक्के के मुशरक़ों को गवारा ना हुआ और उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगी मुहिमात शुरू कर दी उनकी तरफ से पहला हमला रमज़ान सन दो हिजरी में मदीने के करीब हुआ और इसी जगह पर बद्र नाम के एक मैदान में मुसलमानों के साथ उनका मुकाबला हुआ इसमें 313 मुसलमानों को 1000 हज़ार अहल मक् पर फतह हासिल हुई इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अहल मक् ने तीन हज़ार लश्कर के साथ के साथ दोबारा मदीने पर धावा बोला उहद पहाड़ जो मदीने के करीब में है उसके दामन में ये मुकाबला हुआ और 700 मुसलमानों ने उनका इस तरह मुकाबला किया कि बहुत ही नुकसान के साथ उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया फिर हिजरत के पाँचवें साल अहले मक्का ने कई अरब कबीलों को साथ मिलाकर दस हज़ार की का लश्कर लेकर मदीने की छोटी बस्ती पर हमला किया मुसलमानों ने अपनी हिफाजत के लिए मदीने के अतराफ में खंदक खोद लिया लेकिन दूसरी तरफ हुआ ये कि अहल मक् में किसी वजह से आपस में ही इख्तलाफ पड़ गया फूट पड़ गया और वो नाकाम वापस लौट गए हिजरत के छठे साल हजरत मोहम्मद सल्ला वम चौदह सौ मुसलमानों के साथ खान काबा का उमरा करने के इरादे से निकले मुसलमान अहराम के हालत में थे और क़ुरबानी के जानवर साथ थे ताकि किसी को गलत फहमी ना हो लेकिन फिर भी मक्के वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्के में दाखिल नहीं होने दिया रसूल अक्रम सक कर अहल मक्का की ही शर्तों पर उनसे जंग माह कर लिया और वापस चले गए ये माहदा हुदैबिया नाम के एक मकाम पर हुआ था इसलिए तारीख़ में इसे सुलह उदैबिया के नाम से जाना जाता है हजूर अकरम सल्ला व इसके बाद सन आठ हिजरी में दस हज़ार सहाबे क्राम के साथ मक् की तरफ बढ़े लेकिन फिर भी आप सल्हम ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह जंग और कताल की नौबत ना आने पाए चुनानचे इंतहाई पुरान तरीके से मक् मुकरमा का शहर फ़तह हो गया ये मक्का शहर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेकस मुसलमानों को सख्त अजियतें दी गई थीं उनको उनके घर से और कारोबार से निकाल दिया गया था उन पर मुसलसल जानी और माली हमले किए गए थे फ़तह याबी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम जालिमों और मुजरमों को यह कलम माफ़ कर दिया और किसी से कोई बदला नहीं लिया हिजरत के नवे साल अरब और जजीरतुलरब के बाहर से मुख्तफ कबाइल के वफूद रज़ाकाराना तौर पर मदीने आए यहाँ उन्होंने इस्लाम को करीब से देखा उसकी तालीमत को समझा और मुसलमानों के पाकिज़ा और मुनिफाना माशरे को देख कर इस्लाम कबूल करते गए और बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए हिजरत के दसवें साल आपने हज करने का ऐलान फरमाया इस हज में एक लाख से ज़्यादा साहब कराम आपके साथ हुए अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त तक एक लाख से ज़्यादा लोग इस्लाम की दावत को सुनकर उसके पैगाम की सच्चाई से वाकिफ़ होकर इस हल्के में दाखिल हो चुके थे यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हज था इसलिए इसको हजतुलवि कहते हैं इस हज में आपने लोगों को हज के अहकाम सिखाए और मक्का मिना और अरफात के मैदानों में वो शान खुतबात दिए जिनमें इंसानी आजमत बुनियादी इंसानी हकूक़ और कमज़ोरों और औरतों के हकूक़ का ऐलान किया हिजरत के ग्यारहवें साल इस हज से वापस आने के बाद आपकी अलालत और बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ और बारह रबी अव्वल दोशंबा के दिन तिरसठ बरस की उम्र में आप अलैहि वसल्लम की वफात हुई और मसद नबी से मुतसिल अपने हजरें में मतफ़ून हुए रसूल रसुलकरम की पहली शादी पच्चीस बरस की उम्र में चालीस बरस की बेवा हयात खदीजा से हुई जिनसे आपकी चार बेटियाँ और तीन बेटे हुए उनकी वफात के बाद आप ने 50 बरस की बेवा हरत सौदा से निकाह किया उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ़ मसलों के तहत आपके कई निकाह हुए कुल ग्यारह बीवियाँ हुईं जो तमाम मुसलमानों की माए हैं उनके नाम हैं हजरत खदीजा हज़रत सऊदा हजरत आयशा हज़रत हफ्सा हजरत जैनबिनजैमा हज़रत उब सलमा हज़रत जैनबिन जहश हज़रत जवैरिया हज़रत उब हबीबा हज़रत सफ़िया और हज़रत ममूना इन अजवाज मतहर के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजी ज़िंदगी की तफसीलात और ख़वान से मुतालिक मसाइल और दीन के अहकाम की बड़े पैमाने पर परेशात हुई आपकी चार साहबजादियाँ और तीन साहबजादे हुए साहबजादियों के नाम हैं हज़रत जैनब हज़रत रुक़ हज़रतम कुलसूम और हज़रत फातमा और साहबजादों के नाम हैं हज़रत अब्दुल्ला हज़रतसम और हज़रत इब्राहीम आपके तीनों साहबजादे बचपन ही में वफात पा गए अजीज़ तलबा और वालिबात आपने अब तक पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अलैहि वम की ज़िंदगी के बारे में तफसीली वाक़ सुने आइए अब हम आपको इस बात से वाकिफ कराएँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम क्या मिशन लेकर आए थे दुनिया के सामने क्या तलीमत आपने पेश फरमाईं और किस किस्म के समाज की तमीर की नाजरीन इस्लाम की तलीमत में सबसे पहले तोहद है कुरान की सूरह अखलास में ये तालीम इस तरह दी गई है ऐ नबी आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है वो बेनियाज है उसने किसी को नहीं जना और न वो किसी से जना गया है और उसके बराबर कोई नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी कि अल्लाह ही ने तमाम इंसानों तमाम जानदारों ज़मीन और पानी की तमाम मखलूक ज़मीन और आसमान सूरज सितारे स्यारे और पूरी कायनात को पैदा किया है वही औलाद देता है वही तमाम मखलूक़ात को खाना और पानी देता है ज़मीन और कायनात की हर चीज़ उसी के हुक्म से अंजाम पाती है और वो हर चीज़ पर कादिर है ज़िंदगी और मौत वही देता है और अच्छी बुरी तकदीर का मालिक वही है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के साथ रसालत और आखरत के अकीदे की तालीम दी रसालत का मतलब ये मानना है कि अल्लाह ने हर कौम में अपना एक रसूल भेजा सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्ला वम आए जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए खुदा के रसूल हैं अल्लाह ने लोगों की रहनुमाई के लिए अपने कुछ रसूलों के पास किताबें भेजीं कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है जिसमें आइंदा तमाम ज़मानों के लिए लोगों की हिदायत मौजूद है और आखरत के अकीदे का मतलब ये तस्लीम करना है कि दुनिया के बाद एक दूसरी ज़िंदगी में तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा जो इंसाफ और बदले का दिन होगा और उसमें तमाम इंसानों को हर अच्छे और बुरे काम का जरूर बदला दिया जाएगा रसूल सल्ला वम ने बताया कि तमाम इंसान एक आदम के औलाद हैं और सब बराबर हैं उनमें रंग व नसल और ज़बान इलाके की बुनियाद पर कोई किसी से बरतर नहीं है अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़त वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है आपने ये भी बताया कि हरे भरे दरख्तों को ना काटो पानी को आलूदा ना करो न ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करो अवामी मकामात पर गंदगी न फैलाओ और सफाई आधा ईमान है इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि नाहक किसी इंसान की जान लेना जिना करना किसी पाक दामान खातून पर झूठी तहमत लगाना झूठी गवाही देना माँ बाप की नाफरमानी करना सूद खाना यतीम और बेसहारा बच्चों का माल खा जाना दूसरों का हक हड़प लेना धोखा देना झूठ बोलना और दूसरों के लिए बुरा चाहना जैसी बातें बहुत बड़े गुनाह हैं और इन पर अल्लाह बहुत सख्त सज़ाएँ देगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तालीमात के साथ साथ जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों से तफसीली तफसीलीकाम कवानीन और कौमी और बेवाई अमूर के बारे में हदायत अता फ़रमाई रसूल सला वम ने नबूत मिलने के बाद तेरह बरस तक मक् मकरमा में और दस बरस मदीन मरवा में रहकर मुसलमानों की तरबियत फरमाई और उन्हें इस्लामी तालीमत के सांचे में ढाल दिया इस तरह आपने एक ऐसा समाज तश्कील दिया जहाँ तमाम आला इंसानी कदरें कर थीं। इस माशरे में रहने वाले लोग साफ दिल खुदा तरस और इंसानियत की फलाह व बहबूद के जज्बात से आरास्ता थे उनके अंदर ईशार था खुद गर्जी नहीं थी वो कानून के पाबंद थे और जुल्म और बुराई से दूर थे इल्म सीखना और सिखाना और दूसरों के काम आना उनका शेवा था उनकी ज़बान सच्ची उनका किरदार पाकिज़ा और अमानत दयानत उनकी आदत थी मजमू तौर पर ऐसी खूबियों से आरास्ता वो मुआरा था जिसकी तारीफ खुदल्ला ने क़रण करीम के अंदर की है रसूल सल्ला वम की ज़िंदगी और आपके मिशन और तलीमत से आगह होने के बाद अब हम आपको सबक के आखिरी हिस्से में लिए चलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने निजी ज़िंदगी कैसी गुजारी आपके अखलाक व किरदार कैसे थे और आपने अपनों और गैरों बल्कि दुनिया की दिगर जानदार मखलूक के साथ क्या बर्ताव फरमाया था हज़रत सल्लल्लाहु सल्ला वसलम के बारे में मुसंद तौर पर मालूम है कि आप अखलाक किरदार के इंतहाई आला मैार पे थे कभी आपने ज़बान से कोई बुरा लफ्ज़ नहीं निकाला न कभी किसी की दिल आज़ारी की अपनी ज़ात के लिए आपने कभी बदला नहीं लिया और न कभी किसी मर्द या औरत या बच्चे पर हाथ उठाया आप पर्दा नशीन औरतों से ज़्यादा हयादार थे कभी कोई गुनाह का काम नहीं किया आप बहुत ही रहमदिल और मोहब्बत व शफकत करने वाले थे और आपके तमाम साथी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे आप बड़े मेहमान नवाज़ गरीबों की मदद करने वाले बेकसों के सहारा और मुसीबत में हर इंसान के काम आने वाले थे घर के अंदर आप एक आम फर्द की तरह रहते थे घर के काम काज में हाट हाथ बटाते खुद से बकरी दूह लेते और जूते की मरम्मत कर लेते अपनी बीवियों बेटियों और दूसरी औरतों का बेहद ख्याल रखते थे बच्चों से आप बहुत मोहब्बत करते थे आपने हमेशा दुश्मनों को माफ़ किया और उनके साथ हमदर्दी की मक्के के लोगों ने आपको बेानतहा सताया लेकिन जब वहाँ कहत पड़ा तो आपने उनकी मदद की और मक्का फतह हुआ तो तमाम जालिमों को माफ़ कर दिया उस यहूदी ख़ातून को भी आपने माफ़ कर दिया जिसने आपके खाने में जहर मिलाकर आपको मारने की कोशिश की थी आपकी रहमत इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और दिगर जानदारों पर भी थी एक चिड़िया के बच्चे को किसी ने पकड़ लिया और चिड़िया फड़फड़ाने लगी तो आप नाराज़ हुए और हुक्म दिया कि उस बच्चे को छोड़ दो एक बिल्ली को बांध कर भूखे रखने वाले को आपने जहन्नम का मुस्तहिक बताया नाजरीन ये थी पैगम्बर इस्लाम हज़रत महम्मद सलील वम की ज़िंदगी आपकी तलीमत और आपके अखलाक किरदार की मुख्तर तफसील अगर आप इस मौजू पर मज़ीद मताल करना चाहें तो आप इन किताबों से इस्ता कर सकते हैं सरतुलनबी रहमतमीन नबी रहमत महमद आरबी आप हमसे मज़ीद रबता करना चाहें तो हमारा पता यह है नज़ामत फ़ासिलतीी तलीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्ची बाउली हैदराबाद पाँच सिफर 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 तीन दो नाज्रेन आज के सबक में बस इतना ही है आइंदा फिर किसी मौजू पर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज